एक पेरेंट का अपने बच्चे के साथ में रिश्ता उनकी लाइफ का सबसे सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप होता है। आप अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा टाइम और एनर्जी इसी रिश्ते को निभाने में लगाते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम कुछ चीज़ें, कुछ फंडामेंटल्स इस रिश्ते के समझें, जिससे आपकी पेरेंटहुड ना सिर्फ इंजॉयबल हो सके और आसान हो सके, बट प्रोडक्टिव और बच्चों के लिए ज़्यादा यूजफुल हो सके। आज हम पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप और ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे, जिससे इस रिश्ते को काफ़ी इम्प्रूव और अच्छा बनाया जा सकता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बॉन्डिंग, जिसका मतलब है कि पेरेंट और चाइल्ड आपस में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या रिचुअल्स क्रिएट करें जिससे उनमें इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ सकती है। ये कोई हॉबी हो सकती है, कोई आर्ट वर्क हो सकता है, या फिर सिर्फ एक क्वालिटी टाइम हो सकता है, जिसमें आप एक दूसरे के साथ ऐसी बातें शेयर करते हैं जो एक कन्वेंशनल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप से अलग है। ये टाइम पर आप अपने बच्चे को लाइफ स्किल्स सिखा सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं और एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड डेवलप कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम पर बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी बात है क्वालिटी टाइम। आज की फास्ट पेस लाइफ में, जहां बच्चे अपने स्कूल्स में और पेरेंट्स अपने काम में बिजी हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि चाहे वो कुछ मिनट या कुछ घंटे ही हों, लेकिन हम क्वालिटी टाइम के ऊपर फोकस करें। जिसका मतलब है एक ऐसा वक्त जब आप अपने बच्चे के साथ फुली एंगेज्ड हैं, बीच में गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप और टीवी जैसी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं हैं। आप एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे का अच्छी और बुरी बातें या दिन में क्या हुआ शेयर कर पा रहे हैं, और एक ओपन कम्युनिकेशन का माहौल है, जिसका मतलब है कि बच्चे फ्रीली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। उन्हें डर नहीं है या उन्हें ये नहीं सोचना है कि वो अपने पेरेंट्स से किस तरह की बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कुछ बाउंड्रीज ज़रूर ज़रूरी हैं, ये इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करें, पर फिर भी जिस तरह की आइसोलेटेड ज़िंदगी आजकल बच्चे जीते हैं, जहाँ पर एक्सटेंडेड फैमिलीज़ का सपोर्ट सिस्टम नहीं है, हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं, थोड़ा सा पेरेंटिंग का रोल चेंज हो जाता है। अगर आपके बच्चे टीनेज में हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा अपने पेरेंटल एटीट्यूड को कम कर थोड़ा सा फ्रेंडशिप वाला एटीट्यूड लेकर आइए। बच्चों में, स्पेशली टीनेज में, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो सोसाइटी में करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। हम सब उस जर्नी से गुजर चुके हैं, तो हमें ये समझना है कि हम किस तरह से अपने बच्चों के लिए ज़्यादा अवेलेबल हो सकते हैं, ताकि कोई भी ऐसी बात जो कहीं और करने में वो हिचक रहे हैं, वो एटलीस्ट हमारे साथ कर पाएँ, क्योंकि हमसे ज़्यादा कोई और उन्हें इस बारे में गाइड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है अनकंडीशनल सपोर्ट एंड लव, जिसका मतलब है कि चाहे आप अपने बच्चों से कितनी भी एक्सपेक्टेशन रखें, ये हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे लाइफ में आगे बढ़ें, लेकिन आपका प्यार या आपकी रिस्पेक्ट अपने बच्चे के लिए उनकी अचीवमेंट्स पर डिपेंड ना करें। आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं उनके रिजल्ट्स से, ना कि अपने बच्चों से। आपके बच्चों को भी ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि वो लाइफ में कितनी भी गलतियाँ करें, लेकिन अगर वो आपके पास में आ रहे हैं, अपनी गलती मान रहे हैं, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि उन्हें सपोर्ट उस घर में मिलेगी और उन्हें डरने की या बातें छुपाने की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्टली, इस बात को समझिए कि जितनी ज़्यादा आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है, आपको भी उनकी उतनी ही ज़रूरत है। जिस तरह का प्यार हमारे बच्चे हमारे साथ कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता, तो इस रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। हमारी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो चुकी है, तो ऐसा अक्सर होता है कि हम चिढ़ जाते हैं, हम अपने बच्चों की अनकंडीशनल डिमांड्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं। पर इस बात को समझिए कि आपसे ज़्यादा आपके बच्चों को कोई नहीं समझ सकता और उनके लिए आपसे बेटर कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो जितना हो सके एफर्ट करिए कि आप अपने बच्चे के लिए अवेलेबल हों और इमोशनली उन्हें सपोर्ट कर सकें।